सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है कुणाल भारद्वाज और आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो भाई आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, जो सीएनजी कार्ड सर्च कर रहे थे बहुत टाइम से, जो टिगोर है और टियागो है दोनों में सीएनजी आपको देखने को मिलेगी और उसके वेरिएंट्स रिलीज़ कर दिए कि कौन कौन से वेरिएंट्स में सीएनजी देखने को मिलेगी और प्राइसेस बता दिए हैं, जो कि प्राइसेस काफ़ी बढ़िया है। और अब जिन कंपनियों के नखरे थे ना कि भाई हम सीएनजी देंगे और पूरे नखरे मारेंगे, उनके नखरे अब ढीले होने वाले हैं। बोलते हैं कि गेम चेंजर है और टाटा ने बहुत बड़े काम कर दिया है। तो पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, मैंने नोट बना के लिखे थे क्योंकि आजकल जरा भूलने की आदत ज्यादा लग रही है मुझे, तो मैंने नोट्स बना लिए थे। चल झूठा। तो इसमें आपको 5 वेरिएंट देखने को मिलेंगे सीएनजी में, मैं बात कर रहा हूँ टियागो की। तो इसमें आपको 5 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक XE, XM, XT, XZ प्लस और XZ प्लस ड्यूअल टोन। तो 5 वेरिएंट है और इनके प्राइस मैं बता देता हूँ, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली के अंदर। जो XE वेरिएंट है, जो कि बेस वेरिएंट है, उसके प्राइस है 6-10, ये बता रहा हूँ एक्स शोरूम, 6,10,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस होगा और ऑन रोड प्राइस वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। अब आते हैं XM की तरफ। XM का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 640 और सबसे ज़्यादा यही वेरिएंट बिकेगा, आप देख लेना, क्योंकि XM वेरिएंट में आपको थोड़े थोड़े फीचर्स और मिल जाएंगे, बेस तो कम ही जाएगा, उससे ऊपर XM है ये सबसे ज़्यादा बिकेगा और इसके प्राइस भी ठीक है, 640 के अप्रोक्स इसके प्राइस रखे गए हैं एक्स शोरूम। बात करते हैं XT वेरिएंट की, और ये मिड वेरिएंट से वेरिएंट ऊंचा होगा और इसको बोलते हैं सेकंड टॉप, और इसके जो प्राइस होंगे वो होंगे 670, ये एक्स शोरूम प्राइस है और इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और मैं कलर भी बताऊंगा कि कौन कौन से कलर इसमें अवेलेबल होंगे, तो स्टे ट्यून इन द वीडियो। और जो इसका टॉप मॉडल होगा वो होगा XZ प्लस, जो प्राइस होने वाले हैं वो होने वाले 753 के आसपास इसके प्राइस होने वाले। ये मैं एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर। अब बात करते हैं इसके बिल्कुल टॉप वेरिएंट की, ये ड्यूल टोन में आपको मिलेगा XZ प्लस, और दो वेरिएंट होंगे बेसिकली, XZ प्लस और XZ प्लस ड्यूल टोन। इसके प्राइस होने वाले हैं 765 के आसपास। तो ये थे इनके प्राइजेस। अब बात कर लेते हैं टिगोर की। टिगोर में आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। इसमें टाटा ने थोड़ा ठीक नहीं किया, इसमें 2-3 वेरिएंट ही दिए हैं, इसमें भी होना चाहिए था टियागो की तरह, इसमें सारे वेरिएंट्स होने चाहिए थे, क्योंकि सपोज करो मैं हूँ और मुझे एक बेस वेरिएंट चाहिए और सीएनजी चाहिए, तो फिर मेरे को टियागो ही लेनी पड़ेगी। टिगोर में बस आपको 3 वेरिएंट ही मिलेंगे, एक तो XZ जो कि सेकंड टॉप है, जिसका प्राइस होने वाला 770 एक्स शोरूम, XZ प्लस जिसका प्राइस होने वाला 830 अप्रोक्सीमेटली, और इसमें एक और वेरिएंट आएगा XZ प्लस ड्यूअल टोन जिसका प्राइस होने वाला 842 के आसपास, और ये सब एक्स शोरूम प्राइस है और ऑन रोड में स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं इतने सारे प्राइजेस। और भाई मज़ा आने वाला है मार्केट में, क्योंकि टाटा ने ना गेम पलट दिया पूरा, क्योंकि जैसे सीएनजी में आपके पास ना कुछ ही ऑप्शन देखने को मिलते थे, जैसे मारुति में है और उसके बाद तुम्हारा हुंडई में है, हुंडई में दो ही कार में है जैसे नियोस और ओरा, और कुछ ही वेरिएंट्स के अंदर उसमें सीएनजी आपको देखने को मिलेगी। फिर आपके पास ना यार चॉइसेस कम हो जाती हैं, फिर वो लोग थोड़े नखरे भी मारते थे कि इतने टाइम में देंगे इतने टाइम में देंगे, तो टाटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है और मैंने सुना है इसमें वेटिंग भी आपको कम देखने को मिलेगी। और इसमें एक चीज़ और है, टाटा ने ऑफिशियली ये चीज़ बोली है कि सेफ्टी में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जैसे पहले सेफ्टी मिलती थी अब भी वही सेफ्टी है। इंजन की परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत पड़ेगा भाई, वो देखो वो तो बात है ही, थोड़ा सीएनजी में दबके चलती है गाड़ी, बट कंपनी फिटेड में मज़ा अलग ही आने वाला है। मैं तो, अगर मेरा भाई हिसाब किताब बन गया तो मैं सीएनजी कार अगर मुझे लेनी होगी तो मैं टाटा पे ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि एक तो सेफ्टी आपको मिलेगी प्लस एवरेज भी आपको बढ़िया मिलने वाला है, पॉकेट फ्रेंडली कार होगी, तो भाई मज़ा आने वाला है। बात कर लेते हैं कलर्स की, कौन कौन से कलर्स इसमें अवेलेबल होंगे। देखो कलर्स तो वही रखे गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको वाइट कलर देखने को मिलेगा, ग्रे, ब्लू और रेड, तो इनका नाम रखा गया है परसेंट वाइट, डेटोना ग्रे, अरिजोना ब्लू और फ्लेम रेड। तो ये कलर्स हैं भाई, नाम बड़े अजीब अजीब से रखते हैं, सिंपल नहीं रख सकते, वाइट, ग्रे, ब्लू, रेड, इतना सब रखना ज़रूरी है। अरे तू जा रही। ये तो मैं टियागो के कलर्स बताए थे आपको, एक बार टिगोर के भी आपको बताया था कि टिगोर में कौन कौन से कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सिल्वर भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, बाकी सब वही कलर है, सिल्वर, वाइट, रेड, ग्रे, ब्लू, जिनका नाम रखा गया प्योर सिल्वर, पल्सेंट वाइट, डीप रेड, जो उसका रेड है ना वो डीप रेड है, और वही डेटोना ग्रे और अरिजोना ब्लू, बस रेड कलर नहीं है इसमें, जो उसमें रेड कलर था वो चेंज कर दिया गया है। इसमें न्यू सा कलर है एक डीप रेड, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, वाइन सा कलर है जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इंजन में क्या चेंजेस होंगे, कितनी बीएचपी पावर, कितना टॉर्क वगैरह निकाल के। आपको पता होगा टियागो टिगोर में सेम इंजन आता है, बस बूट का फर्क है,
तो इसमें जो पावर निकाल के देगा आपको वो 73 bhp के आसपास पावर निकाल के देगा, और टॉर्क की मैं बात करूँ तो 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले से कम कर दिया गया। अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ 85 bhp के आसपास पावर मिलती थी और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। सीएनजी में तो आपको पता ही है भाई, टॉर्क और bhp कम ही हो जाती है, तो ये एज यूजुअल है। बट कंपनी फिटेड सीएनजी की बात ही अलग होती है, उसमें भाई चलाने में मजा आता है, पता नहीं चलता कि सीएनजी में चल रही है पेट्रोल में चल रही है, काफी स्मूथ चलती है कार, बस थोड़ा बहुत पिकअप में फर्क आ जाता है। वही इंजन देखने को मिलेगा, बस टॉर्क और पावर थोड़ी कम कर दी गई है, तो इट विल बी अ गेम चेंजर, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। और काफी फैंटास्टिक काम किया टाटा ने, मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि ऐसी कार नहीं थी भाई जिसमें सेफ्टी भी हो और माइलेज भी हो, तो दोनों काम इसमें देखने को मिलेंगे, पॉकेट फ्रेंडली एक कार देखने को मिलेगी। तो आप इस कार पे जरूर जा सकते हैं, मतलब सीएनजी पे अगर आप सोच रहे हैं तो भाई आग बंद करके कार ले लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है भाई। बूट वूट थोड़ा बहुत चाहिए तो टिगोर ले लो, वनियागो पे भाई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है जो टिगोर है उसमें दो ही वेरियंट्स में आपको सीएनजी मिलेगी, तो पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। टियागो में भाई आप कम पैसे में भी आप सीएनजी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे भाई फॉलो कर लेना। कुछ तरीका है भीख मांगने का? थैंक यू सो मच।